नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जननेता पूर्व कैबिनेट मंत्री रमाकांत तिवारी की तृतीय पुण्यतिथि कल मनाई गई। कई हजारों की संख्या में श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी भीड़। रमाकांत तिवारी 4 बार 63 से थे विधायक। 2003 उमा भारती के सरकार में बने थे पशुपालन मंत्री। बिजली पानी सड़क तथा नहरों का बिछाया था जाल। वहीं पूर्व मंत्री स्वर्गीय रमाकांत तिवारी से प्रेरणा लेकर उनके पुत्र कौशलेश तिवारी हैं सक्रिय। 73 क्षेत्र से विधायक चुनकर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री तक का सफर तय करने वाले चाक घाट के लोकप्रिय जननेता पंडित रमाकांत तिवारी जी की तृतीय पुण्यतिथि कल यानी 18 सितंबर 2023 को नेहरू स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय चाक घाट में मनाई गई। इस आयोजन में 73 क्षेत्र के लोकप्रिय जननेता को तृतीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए समूचे क्षेत्र के लोग पहुंचे। स्मृति शेष पंडित रमाकांत तिवारी जी एक साधारण किसान परिवार से राजनीति में आकर गरीबों की पीड़ा समझी और कृषक नेता के रूप में कृषि उपज मंडी समिति चाक घाट के अध्यक्ष बने। उसके पश्चात 73 क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर व्यापक स्तर पर जन आंदोलन करके शासन प्रशासन का ध्यान इस क्षेत्र की समस्या के निदान हेतु आकर्षित किया। 73 क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे होने के कारण दस्यु समस्या से ग्रसित था। हत्या, डकैती, अपहरण, लूटपाट करने वाले अपराधियों का खुला विरोध करने एवं दस्यु उन्मूलन में तिवारी जी का महत्वपूर्ण श्रेय रहा। 73 अंचल के किसान बिजली पानी सिंचाई के अभाव में अपनी जमीन औने पौने दामों में बेचकर पलायन कर रहे थे, जिनकी वेदना को समझते हुए इस अंचल में हरित क्रांति का नारा देकर 73 की प्यासी धरती को पानी देने के लिए सिंचाई योजना का आरंभ करवाया। क्षेत्र में सड़क का विस्तार, नदी नालों पर पुल पुलिया का निर्माण असंभव कहे जाने वाली 73 टमस नदी पर पुल का निर्माण इनकी विकास योजना की कड़ी में गिना जाता है। 73 क्षेत्र से प्रथम बार विधायक चुने जाने के पश्चात पंडित रमाकांत तिवारी जी ने 4 बार इस क्षेत्र का सफल प्रतिनिधित्व किया। 2003 उमा भारती के सरकार में मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पशुपालन आदि विभागों में कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का व्यवस्थित निर्वहन किया। शासन के ऊंचे पदों पर रहते हुए भी इन्होंने अपनी सरलता, सहजता, स्नेहलता के कारण हर किसी के हृदय में स्थान बनाने में सफल रहे। जो भी इनसे एक बार मिलता इन्हीं का होकर रह जाता। पंडित रमाकांत तिवारी जी अपने व्यक्तिगत एवं राजनीतिक जीवन में सदा सर्वदा अजात शत्रु बनकर रहे। सत्ता पक्ष हो अथवा विपक्ष, किसी विचारधारा का व्यक्ति कोई क्यों ना हो, किंतु उनके लिए सभी अपने थे और तिवारी जी सबके लिए संरक्षक की भूमिका में सदैव दिखाई देते थे। 17 सितंबर 2020 को संध्या बेला में अवस्थता के चलते उन्होंने अपने निवास चौक घाट में अंतिम सांस ली। जीवन पक्ष की अंतिम मंजिल तो आत्मा को परमात्मा में विलीन होना ही है, किंतु जीवन पथ में लोगों के साथ किया गया सद्व्यवहार सदा सर्वदा अमर हो जाता है। पंडित रमाकांत तिवारी जी हर स्तर पर आम आवाम के साथ सदा जुड़े रहे और उनकी सहजता, उनका जन जन से स्नेह भाव जुड़ा रहा और आगे समय में भी उनकी स्मृति जनता के हृदय पटल सदा सर्वदा विराजमान रहेगी। समय बीतते देर नहीं लगती, उनके निधन के 3 वर्ष व्यतीत हो गए। वहीं पूर्व मंत्री स्वर्गीय रमाकांत तिवारी के पुत्र कौशलेश तिवारी उर्फ तिवारी लाल ने बताया कि पिता के बताए हुए मार्गों पर निरंतर चल रहा हूं। प्रतिदिन घर से निकलने से पहले पिताजी की प्रतिमा से आशीर्वाद लेकर जनता की सेवा कर रहा हूं। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। उन्होंने जो रास्ता दिया है हमको जनता और जनार्दन की सेवा करने के लिए और पुण्य अर्जित करने के लिए, यही एक माध्यम है। उनके माध्यम से मैं प्रत्येक वर्ष, लोगों का अंदाजा था कि ये चुनाव लड़ने के लिए ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतना सम्मान उनको 73 क्षेत्र की जनता ने दिया था, उस सम्मान के लिए मैं प्रत्येक वर्ष इस 73 क्षेत्र की जनता का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूँ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।